The Union Minister for Railways, Coal, Finance and Corporate Affairs, Sri Piyush Goyal ji, presented the maiden budget in the Lok Sabha a short while ago. The interim budget 2019-20 has already triggered an interesting discussion in the media space on the 10 dimensions of Vision 2030 for the new India. We are indeed privileged and honored to have with us. We also extend a warm welcome to Union Minister of State for Finance and Shipping, Sri P. Radhakrishnan ji, Minister of State for Finance, Sri Shiv Pratap Shukla ji, Finance Secretary, Sri Ajay Narayan Jha ji, Secretary Economic Affairs, Sri Subhash Chandra Garg ji, Secretary Revenue, Sri Ajay Bhushan Pandey ji, Secretary Financial Services, Sri Rajiv Kumar ji, Secretary Deepam, Sri Atanu Chakrabarti ji, Chief Economic Advisor, Dr. Krishnamurthy Subramanian. Friends, first the Finance Minister will make his opening remarks. Thereafter, we'll take some questions. I presume that you have kept your phones in switch off or silent mode. Without further ado, may I now request Sri Piyush Goyal ji to make his opening remarks. Thank you, Mr. Kar. Mitro, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का इस एनडीए की टेन्योर का पहली टेन्योर का आखिरी बजट पेश हुआ। एक प्रकार से इंटरिम बजट होने के कारण बहुत सारी और चीज़ें जो हम कर सकते थे उसमें कर नहीं पाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि समुचित विकास देश के हर नागरिक तक पहुँचे, समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना और लाभ पहुँचाना, इसका काम इस बजट ने देश भर में किया है और देश भर में उत्साह का वातावरण निर्मित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच हम सबके समक्ष रही कि जो सबसे नीची पंक्ति पे खड़े हैं लोग, उनकी सबसे अधिक चिंता करेगी ये सरकार। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी चिंता करेगी ये सरकार। और लगभग जो जो विषय आज बजट में उजागर करे गए वो एक प्रकार से समाज के हर वर्ग को छूने वाले विषय को हमने देश के समक्ष रखा। ये इंटरिम बजट की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जो दो नई स्कीम इस सरकार ने तय की है, एक किसानों के लिए और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो लोग काम करते हैं लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो कर्मचारी है, जो कामगार है, उनके लिए। देश के इतिहास में किसानों के लिए कभी इतनी बड़ी पहल आज के पहले नहीं हुई है। अगर हम देखें तो लगभग 12-12.5 करोड़ छोटे सीमांत किसानों तक लाभ पहुंचाना ये साधारण बात नहीं है। शायद कई बार बड़े बड़े खानदान के लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठे समझ नहीं पाते हैं कि जिसके पास आधा एकड़ है, एक एकड़ है, 1000 मीटर जमीन है, उनकी समस्याओं का पूरा आकलन एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए ध्यान नहीं आता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में जमीन पे
देखा है किस प्रकार की कठिनाइयां, किस प्रकार की परेशानियां छोटे और सीमंत किसानों की रहती है, और उसको मद्देनजर रखते हुए 6,000 रुपए प्रतिवर्ष हर उस किसान को मिलना, हर उस किसान परिवार को मिलना जिनकी लैंड होल्डिंग, जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इसको हमने 1 दिसंबर 2018 से ही लागू कर दिया है और 3 किस्तों में, जैसे जैसे 3 क्रॉप्स होते हैं, 3 फसल होती हैं, उस तीनों में एक सहायता के रूप में किसान को मिले और किसानों का सम्मान हो इस देश में, उस उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस नाम पीएम किसान, इस नाम से ये योजना सरकार ने इसी वर्ष से शुरू कर दी है। इस वर्ष का जो आखिरी 4 महीने हैं उसके भी 2,000 रुपये प्रति किसान को, जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है, उन सबको पहुंचाई जाएगी। सभी राज्यों से सूचियां मंगाई जाएंगी तुरंत ही, और मैं समझता हूं एक प्रकार से किसानों को कभी बिजली का बिल भरना है, कभी बीज खरीदने हैं, बीमा योजना के साथ जुड़ना है, कोई पेंशन स्कीम में कुछ पैसे भरने हैं, इन छोटी रोजमर्रा की विषयों के लिए ये हर 4 महीने में 2,000 रुपये, कुल 6,000 रुपये हर वर्ष, एक बहुत बड़ा सहयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है। अगर हम पिछली सरकारों का आंकड़ा देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसे पिछली सरकारों ने सिर्फ लिप सिंपथी, सिर्फ आश्वासन दिए, लेकिन वास्तव में हर किसान तक पहुंचने के लिए कोई साधन आज तक नहीं जुटाए। हमने फिस्कल डिसिप्लिन रखते हुए इस वर्ष में भी 20,000 और अगले 20,000 करोड़ और अगले वर्ष में 75,000 करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया, जो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रावधान है कोई भी किसानों को लाभ पहुंचाने का। कई बार चर्चा होती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो लेबर होता है उसको वृद्ध अवस्था में, जब वो 60 वर्ष पार कर जाता है, तब काम मिलने में, करने में भी तकलीफ होती है, सोशल सिक्योरिटी का साधन ना होने के कारण, व्यवस्थाएं ना होने के कारण वृद्ध अवस्था में कुछ ना कुछ तकलीफ का सामना उनको सहन करना पड़ता था। उन सभी ऐसे और एक प्रकार से अनुमानित 42 करोड़ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए ये एक बहुत बड़ा योजना केंद्र सरकार ने तय की है, जो इसी महीने से लागू कर दी जाएगी। जो भी ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग काम कर रहे हैं, कोई ठेले वाला हो, कोई छोटा दुकान में नौकरी करता हो, खुदरा व्यापार के साथ जुड़ा हो किसी प्रकार से, कोई कारपेंटर हो, कोई प्लम्बर हो, कोई मोची हो, हमने इसमें घरेलू कामगार को भी जोड़ा है, जो घरेलू कामगार सभी के सहायता के लिए घरों में काम करते हैं, घरेलू कामगार को भी इस स्कीम का लाभ मिले ये सुनिश्चित करते हुए ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग एक छोटी रकम हर महीने अपनी पेंशन स्कीम में डालें। अनुमानित जो 18 वर्ष का कोई व्यक्ति इस स्कीम में जुड़ता है तो मात्र 55 रुपए प्रति महीना
उनको स्कीम में डालने पड़ेंगे। कोई 29 साल का व्यक्ति 10 साल बाद जुड़ता है, उनको भी शायद 100 रुपए ही डालने पड़ेंगे प्रतिमा, और केंद्र सरकार उतनी ही राशि जोड़ेगी उस पेंशन अकाउंट में। किसी के 100 रुपए जमा हुए तो हम भी 100 रुपए उसमें जोड़ेंगे, और ऐसे करके 60 वर्ष की आयु के बाद एक बार वो हर महीने इसको पेंशन स्कीम में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे और केंद्र सरकार दे, तो 3,000 रुपए हर महीने एश्योर्ड पेंशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हमारे भाइयों बहनों को मिलेगी। ये अपने आप में एक नई कल्पना इस देश में पेश की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं समझता हूँ इस कल्पना से करोड़ों ऐसे परिवार और करोड़ों ऐसे लोग जो वृद्ध अवस्था में तकलीफ में आते हैं, उन सबको बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ किसानों में एक बड़ी समस्या, कभी आपदा बड़ी सीवियर कैलामिटी आती है, बड़ी आपदा आती है जिसमें एनडीआरएफ से भी मदद दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा, जब ऐसी आपदा आती है, अभी अभी हमने उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में देखा कि ड्राउट कई डिस्ट्रिक्ट्स में आया, कई जिले कई पंचायतों में ड्राउट की स्थिति आई, तो एनडीआरएफ से तो सहायता मिलती है, लेकिन जो किसान का कर्ज होता है, जो लोन होता है, उस लोन को रीशेड्यूल किया जाता है और एक साल के लिए उस लोन पे भी ब्याज की छूट 2% दी जाती है, और अगर समय पे कर दे तो 3% अधिक छूट एक साल के लिए मिलती है ऐसे आपत्ताग्रस्त किसानों को। हमें ध्यान में है कि जब ऐसी कोई आपदा आती है, वैसे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरा भुगतान 100% भुगतान किसान को मिल जाता है, लेकिन कभी किसी से रह गया फसल बीमा योजना के साथ जुड़ना, ऐसी परिस्थिति के लिए अगर लोन रीशेड्यूल होता है तो अब हमने सुनिश्चित किया है कि जितने समय के लिए रीशेड्यूल होता है उस पूरे समय के लिए 2% सालाना ब्याज में छूट मिलेगी, और अगर जो रीशेड्यूल्ड रीपेमेंट डेट है, जो नई सीमा अवधि तय की गई है जिसके हिसाब से किसान को भरना है, उस हिसाब से वो अपने लोन को वापस दे दे, तो उसमें भी अधिक 3% ब्याज की छूट किसान को अधिक मिलेगी। तो जो आज एग्रीकल्चर लोन पे जो सुविधाएं मिलती हैं ऐसे आपत्ताग्रस्त इलाकों के लिए, वही सुविधा पूरे रीशेड्यूलमेंट पीरियड के लिए भी देने का निर्णय सरकार ने आज किया। इसी प्रकार से एक बड़ा वर्ग है किसानों में जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के साथ जुड़ा हुआ है। ये ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी संवेदना रहती है, और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी एक ऐसा वर्ग है जो बड़ा उत्पादन भी करता है, लगभग अनुमानित 1.5 करोड़ लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। उन सबको अब आगे चल के जो भी वो किसान की तरह लोन लेंगे, ऋण लेंगे, उस लोन पे शुरुआत में 2% ब्याज की छूट मिलेगी, और जब वो रीपे करें समय के हिसाब से तो 3% अतिरिक्त उनको लाभ मिलेगा, यानी उनका भी लोन घट के 9% के बदले 4% रह जाएगा। ऐसे 1.5 करोड़ लगभग लाभान्वित रहेंगे इस नई योजना का, जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज से जुड़े जो मछुआरे वगैरह काम कर रहे हैं कोस्टलाइन पे, और जो लोग काउ एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री एंड दिस मुर्गी पालन पोल्ट्री इस प्रकार का जो काम करते हैं एनिमल हस्बेंड्री कंपनी, तो गाय पालन पशुपालन इस सभी क्षेत्रों के लिए ये ब्याज की छूट अब देने दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को स्थापना करने का। ये आयोग भी जो काउ रिसोर्सेज है, जो गाय के संबंध में जो विशेष हमने कोशिश की है कि गाय का सम्मान हो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान का 1950 में कहता था कि सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि गाय को प्रोटेक्ट करे, गाय के ऑर्गेनाइज तरीके से उनके विकास का काम देखा जाए, उस पूरे काम को देखने के लिए और अपग्रेड करने के लिए काउ रिसोर्सेज को और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये काम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग काम करेगा। उसके लिए शुरुआत में 500 करोड़ का हमने प्रावधान लगभग इस वर्ष रखा है और आगे चल के जितना पैसा और लगेगा इस काम के लिए जो सिफारिशें आएंगी इस आयोग द्वारा उसके लिए निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के अंतर्गत स्कीम अनाउंस की गई है उसके लिए भी एक अनुमानित 500 करोड़ रुपए शुरुआत में हमने रखे हैं और अगर जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे और अधिक पैसा केंद्र सरकार को लगाना पड़ेगा वो केंद्र सरकार पूरी तरीके से उपलब्ध कराएगी। एक जो घुमंतु और डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, इन सबको भी किस प्रकार से पूरी तरीके से इसका आकलन निकाला जाए, इस सबको फॉर्मली क्लासिफाई किया जाए, उसके लिए एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के तहत और इनका आगे का विकास, इनका वेलफेयर, इनके वेलफेयर प्रोग्राम्स, उसके लिए जो प्रोग्राम नए प्रोग्राम्स बनेंगे उसके लिए भी ये सरकार पूरी चिंता करेगी। एक मैंने अपने बजट भाषण के दौरान 5 वर्ष में कैसे समाज के हर वर्ग के लिए इस सरकार ने अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया, इसका एक होलिस्टिक अप्रोच, एक खाका आप सबके समक्ष रखा था। आज देश की 130 करोड़ जनता के लिए इस सरकार ने समय समय पे 5 वर्ष कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाने का काम निरंतर किया है। इनकम टैक्स के क्षेत्र में जो 1.5 लाख रुपए तक ब्याज की छूट मिलती थी कोई घर खरीदे उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया। जो स्पेसिफाइड सेविंग्स, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड में पैसा निवेश करते थे हमारे मध्यम वर्गीय लोग खासतौर पे, उसकी छूट को 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया था। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले बजट में 40,000 रुपए का इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे कई सारे योजनाएं इस सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ देने वाली गत 4 वर्षों में तय की थी। जो 2.5 से 5 लाख रुपए का वर्ग है, टैक्स पेयर वर्ग, उनकी भी टैक्स रेट को 10% से घटा के 5% किया गया था। इन सबको मद्देनजर रखते लगभग हर करदाता को, मध्यम वर्गीय खासतौर पर करदाता को लाभ देने का काम इस सरकार ने लगातार किया है। वैसे तो टैक्स के जो प्रपोजल्स रहेंगे वो मेन बजट में जुलाई में आगे चल के आएंगे, तो साधारणतः मैंने टैक्स में कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया है। टैक्स रेट्स में, लिमिट्स वगैरह में, वो सब जो मेन बजट आएगा उस समय हम उसको तय करेंगे और जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ निरंतर बना रहेगा, इस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जुलाई 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के दूसरे टर्म का बजट होगा तब एक प्रकार से हमारे मेन टैक्स के प्रपोजल्स आप सबके समक्ष रखे जाएंगे। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एक प्रकार से न्यू मिडिल क्लास भी शब्द इस्तेमाल किया था। ये जो निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग है इन सबको
अगर अभी पता नहीं चलता है कि उनको किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है तो शायद टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वगैरह के वजह से अप्रैल मई जून जुलाई जब तक फाइनल बजट आता है, जब तक फाइनल बजट पारित नहीं होता है तब तक टैक्सेस डिडक्ट हो जाएंगे उनकी आमदनी में। फिर उनको अगर वो उनका फाइनल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो तो उनको रिफंड के लिए फिर टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा। तो ये सब असुविधा से बचाने के लिए लगभग 3 करोड़ से अधिक टैक्स पेयर्स को हमने एक लाभ जरूर अभी इस बजट में दिया है कि जिसकी भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, और ये टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, तय की जाती है जब बाकी सब डिडक्शंस भी कैलकुलेट हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए स्पेसिफाइड सेविंग्स प्रोविडेंट फंड इन सब में डाला हो, अगर किसी ने घर खरीदा है और उसमें 2 लाख तक का ब्याज भी दिया हो या जो भी अमाउंट ब्याज में दिया है, अगर कोई व्यक्ति मेडिक्लेम निकालता है तो मेडिक्लेम की वो डिडक्शन ले सकते हैं। ऐसे कई सारी डिडक्शंस इनकम टैक्स एक्ट में हमने पहले से ही रखी हैं। वो सब डिडक्शंस लेके अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक हो तो उन व्यक्तियों को एक टैक्स रिबेट पूर्ण रूप से दिया जाएगा, जिससे 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम के सभी लोग टैक्स के दायरे से बाहर निकल जाएंगे और उनको अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न में वो क्लेम कर सकते हैं, जिसकी इनकम 5 लाख के नीचे आती है उन सबको सरलता से टैक्स रिबेट के माध्यम से कोई टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। बाकी लोग जिनकी 5 लाख से अधिक होती है टैक्सेबल इनकम, उनके लिए जो पुराने टैक्सेस थे अभी के लिए उनको आगे जारी रखा गया है। उसके ऊपर जब मेन बजट आएगा उसमें विचार कर सकती है सरकार, वो आगे का है, लेकिन उनको अभी के इस इंटरिम बजट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनको इन एनी केस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स वगैरह नॉर्मल कोर्स में होना चाहिए। उस हिसाब से जो लोग 5 लाख रुपए तक जिनकी टैक्सेबल इनकम आएगी उनको टैक्स रिबेट के माध्यम से 0 टैक्स देना पड़े, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। ये बेनिफिट अकेला 18,500 करोड़ रुपए का बेनिफिट लगभग 3 करोड़ मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर्स को, जिसमें स्वयं रोजगार करने वाले लोग होंगे, छोटा व्यापार करने वाले लोग होंगे, छोटा उद्योग चलाने वाले लोग होंगे, वेतन पाने वाले सैलरी अर्नर्स होंगे, पेंशनर्स होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, इन सबको सीधा ये लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वेतन पाने वाले सब लोग हैं उनको 40,000 तक पिछले बजट में दिया था, अब उसको बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया गया। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट करने के बाद अगर कोई 5 लाख से नीचे आ जाता है तो उनको भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बाकी जो भी फेरबदल टैक्स रेट्स में होते हैं वगैरह, वो सब मेन बजट के समय वित्त मंत्री उस समय उस पर अपना फाइनल व्यू ले सकते हैं। एक विषय था जिसके कारण कई लोगों को टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था और फिर रिफंड के लिए जाना पड़ता था, खासतौर पे पेंशनर्स को और छोटे जो टैक्स पेयर्स हैं या किसी की कोई काम करता है और उसकी नॉन वर्किंग स्पाउस हो, उन सबको एक TDS जो उनके फिक्स डिपॉजिट के ऊपर बैंक में या पोस्टल सेविंग्स पे अगर 10,000 से ऊपर TDS इनकम होती थी तो उस पर TDS होता था। अब वो समय सीमा थ्रेशोल्ड 10,000 से बढ़ा के 40,000 रुपए कर दी गई है। तो जिसको 40,000 रुपए तक अपने डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस में या बैंक में ब्याज की कमाई होगी, और समझो साधारणतः अगर 8% ब्याज मिलता है
तो इसके हिसाब से 5 लाख रुपए तक जो भी डिपॉजिट्स होंगे अंदाजन, वो सब डिपॉजिट्स के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा और उनको फिर टैक्स रिटर्न भर के रिफंड लेने की कठिनाई से बचाने के हिसाब से वो डिडक्शन का थ्रेशोल्ड 10,000 से 40,000 कर दिया। इसी प्रकार से अगर कोई किराया मिलता है किसी को तो 1,80,000 रुपये तक सालाना किराए पे कोई टीडीएस नहीं कटता था, अब वो बढ़ा के 2,40,000 रुपये कर दिया गया है। कुछ मध्यम वर्गीय परिवारों को सुविधा देने के लिए कुछ चेंजेस हमने कैपिटल गेन में किया कि अगर एक व्यक्ति एक घर बेच के 2 घर भी खरीदता है और जो कैपिटल गेन्स 2 करोड़ रुपए तक की सीमा तक जिसका कैपिटल गेन्स होता है उनको अगर 2 घर भी खरीदते हैं उस पैसे से तो वो 2 घर के ऊपर उनको कैपिटल गेन्स में एग्जेम्पशन अब आगे मिलेगी। इसी प्रकार से अफोर्डेबल हाउसिंग को और गति देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत उनको अब 31 मार्च 2020 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ा दी गई है। जो भी प्रोजेक्ट्स रजिस्टर होंगे रेरा में 2020 तक, मार्च 2020 तक और इनकम टैक्स को सूची देंगे उन सबको भी अभी सेक्शन 80 के अंतर्गत, 80IBA के अंतर्गत इनकम टैक्स की छूट मिलेगी, इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। आगे चल के इनकम टैक्स में और स्फूर्ति आए काम में, उसके लिए सरकार ने और प्रभावी कदम उठाए हैं जिसके तहत एक तो लगभग सभी असेसमेंट आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, सभी स्क्रूटनी असेसमेंट टैक्स रिफंड। और मैं समझता हूँ आप सबने और देश के सभी करदाताओं ने महसूस किया कि ये वर्ष 2018-19 में घर बैठे या तो आपके खाते में सीधा या आपके घर पे दफ्तर के पते पे आपको इनकम टैक्स रिफंड बिना किधर जाए आपको इस साल का इनकम टैक्स रिफंड पहुंचाया गया इलेक्ट्रॉनिकली। इसको और ज़्यादा आगे सुधार करने की एक नई योजना सरकार बना रही है, उसका सॉफ्टवेयर बन रहा है जिसके तहत एक ही दिन में मात्र 24 घंटे में इनकम टैक्स असेसमेंट भी हो जाएगा और जिन लोगों की स्क्रूटनी में नहीं जाना है उनको उनका रिफंड 24 घंटे में मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार बना रही है। इसके अलावा आगे जो भी स्क्रूटनी होगी, और आप सबको ने सुना होगा मैंने बताया 99.54% इनकम टैक्स रिटर्न्स कुल इंडिविजुअल्स के, बिजनेस के, हरेक के रिटर्न्स की संख्या यानी 8.5 करोड़ रिटर्न्स जब हम देखते हैं तो 99, पिछले साल शायद 5.8 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुए थे, 5.8 करोड़ रिटर्न्स में सिर्फ और सिर्फ 3 लाख से कम लोगों का रिटर्न स्क्रूटनी में लिया गया। मैं समझता हूं अपने आप में 99.54% रिटर्न एज इट इज कंप्यूटर के द्वारा एक्सेप्ट कर देना यह भी अपने आप में एक नया इतिहास रच रहा है। और यह कोई इंडिविजुअल नहीं तय करता, ये कंप्यूटर मापदंड के हिसाब से तय होता है किसकी स्क्रूटनी में जाएगा किसका नहीं जाएगा। ये अलग बात है अगर कुछ जानकारी मिलती है जिसने अपनी इनकम छुपाई है या कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि पूरी टैक्स नहीं भरी है जो अलग अलग माध्यम से सरकार के पास आती है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सरकार कोशिश कर रही है कि पूरा देश ईमानदार रास्ते पे चले। और मैं समझता हूँ ये जो आज स्टैंडर्ड डिडक्शन और 5 लाख तक के छोटे करदाताओं को छूट दी गई है ये एक प्रकार से उनका सम्मान करने के लिए दी गई है जिन्होंने ईमानदार व्यवस्था को अपनाया। और आज मेरा मानना है कि पूरा देश ईमानदारी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, सभी लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए, देश के निम्न मध्यम वर्गियों के लिए
जो सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रभावी कदम उठाए हैं, ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो किसानों को लाभ पहुंचाती है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर को लाभ पहुंचाती है, इन सब योजनाओं के लिए आज देश का करदाता गर्व से कह रहा है कि आज देश के टैक्सपेयर्स के वजह से, देश के टैक्सपेयर्स ने जो टैक्स भरा है उस राशि की वजह से आज देश के किसानों को, आज देश के छोटे मध्यम वर्गीय लोगों को, आज देश के उन कामगारों को जिनको कभी आज तक पेंशन नहीं मिलती थी, उन सबको अगर एक नए उत्साह और नए उमंग से आगे का मार्ग दिखता है तो वो वास्तव में देश के जो करोड़ों करदाता ने टैक्स भरा, ईमानदार व्यवस्था से भरा, उन सब के सहयोग से ये विकास की तेज गति ये सरकार कर पाई है। एक दो और छोटे विषय आपके समक्ष रखना चाहूंगा। डिफेंस बजट पहली बार 3,00,000 करोड़ से अधिक अगले वर्ष होने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। ओआरओपी जो पिछले बार वर्षों से 40 वर्षों से लटका पड़ा था, उसको इस सरकार ने इन ट्रू स्पिरिट इंप्लीमेंट किया, और जहां पिछली सरकार ने पिछले 2014-15 के इंटरिम बजट में मात्र 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गत वर्षों में 35,000 करोड़ से अधिक वन रैंक वन पेंशन के द्वारा हमारे सेना के सभी तीनों डिविजन्स के रिटायर्ड पेंशनर्स को देके उनका सम्मान बढ़ाया, और देश की कृतज्ञता हमारे सेना के सभी जवानों के प्रति एक प्रकार से दिखाई है। अंत में मैं एक बात जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, चाहे वो किसान हो और उसके साथ जुड़े हुए सब वर्ग हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाओं का वर्ग हो या वो शिक्षा का काम हो, हर एक वर्ग के लिए जितना विकास और जितना सामूहिक विकास पूरे देश में हर व्यक्ति तक पहुंचने वाला विकास, और उसके लिए जितना पैसा इस सरकार ने हर वर्ग के लिए दिया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मैंने आंकड़े भी निकाले यूपीए 1 के, यूपीए 2 के और हमारी एनडीए सरकार के, हर एक मापदंड पे इस सरकार ने सबसे अधिक राशि हमारे देश के कमजोर वर्गों को दी, हमारे देश के किसानों को दी, हमारे देश के गरीबों को दी, हमारे देश के मध्यम वर्गीय परिवारों में और उनके सक्षम बनाने के लिए, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो, इस देश में डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए सुरक्षा की हमारी और अच्छी बने उसका काम हो, हर क्षेत्र में इस सरकार ने जो तेज गति से काम किया उसका मैंने वर्णन काफी मात्रा में अपने भाषण में भी किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये 5 वर्ष एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार का काम इस देश की जनता ने देखा, इस देश की जनता ने महसूस किया, इस देश की हर एक 130 करोड़ नागरिक तक पहुंचाने वाला ये समुचित विकास। तो वित्त मंत्री पीयूष गोयल को सुन रहे थे आप, उन्होंने साफ किया, दरअसल टैक्स स्लैब को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हुई उन्हें लेकर उन्होंने सफाई पेश की। उन्होंने कहा 5,00,000 तक की ही जो कर योग्य आय है उस पर छूट है, अदरवाइज जो पुराना स्लैब है वही है।